गाइज, इस वीडियो में मैं आपको कुकिंग चैनल के लिए एक बेहतरीन सा इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आपका कोई कुकिंग चैनल है और अपने कुकिंग चैनल के लिए कोई प्रोफेशनल इंट्रो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप कोई फ्रीलांसर हो और फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो भी आप इस वीडियो एनिमेशन को देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद अगर आपको कोई कुकिंग से रिलेटेड कोई भी ऑफर आता है, किसी भी तरीके का फ्रीलांसिंग का काम आता है, तो आप इजिली कर पाओगे। बट इससे पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, आज के इस इंट्रो को हम बनाएंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर, जो कि एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। देन आपको यहां क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, स्पेक्ट एसओ सिग्नेचर 29 सेलेक्ट करना है, देन आपको यहां नीचे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, क्रिएट पे क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। सो यहां पे हम एक इंट्रो टेम्पलेट यूज करना है। सो जो टेम्पलेट यहां पे मैं यूज कर रहा हूं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डाउनलोड करके आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, देन आपको यहां कोने में क्रॉस पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, इसी टेम्पलेट का यूज करके आज हम इंट्रो बनाने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेम्पलेट ऐड करने के बाद इस प्ले हेड को, ये जो लाल कलर की डंडी दिख रही है इसको प्ले हेड बोलते हैं, इसको आपको 7.8 पे लाना है। ड्रैग करेंगे तो आपको ऊपर यहाँ टाइमिंग नजर आएगा। सो एग्जैक्टली 7.8 पे करने के बाद सिंपली आपको यहाँ एरो पे क्लिक करके बैक हो लेना है। देन आपको यहाँ लेयर पे टैप करके मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने चैनल का लोगो ऐड कर लेना है। अगर आपके पास कोई अच्छा सा चैनल का लोगो नहीं है तो इस पे भी मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बना सकते हो लोगो, या फिर आप मुझसे प्रोफेशनली लोगो, इंट्रो, आउट्रो, बैनर, ये सब कुछ बनवाना चाहते हो तो हम बनाते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्प्ले से मिल जाएगा, साथ में सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो गाइज, अपनी गैलरी से लोगो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ कोने में क्रॉस पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ से लोगो की लेंथ को एक्सटेंड करके जितना बड़ा हमारा टेम्पलेट है उसके बराबर कर लेना है और फिर आपको इस प्लेट को यहाँ आगे की तरफ लाना है और यहाँ से हमें क्या करना है, अपने लोगो को ड्रैग करके यहाँ जो प्लेट है इसके ऊपर आपको प्लेस करना है। इसके बाद गाइज, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक चाबी का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। देन आपको इस प्लेट को आगे की तरफ मूव करके 8.6 पे लाना है। प्ले हेड को 8.6 पे करने के बाद सिंपली आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने लोगों को जिस तरीके से प्लेट मूव हुआ है थोड़ा सा आगे की तरफ, वैसे ही आपको अपने लोगों को भी मूव कर लेना है। ऐसे ही आपको इस प्ले हेड को फिर से आगे की तरफ मूव करना है और इस बार 11.0 पे लाना है। प्ले हेड को 11.0 पे करने के बाद यहाँ से आपको लोगों को भी मूव कर लेना है जिस तरीके से हमारा प्लेट मूव हो रहा है, और लोगों को थोड़ा सा बड़ा भी कर लेना है और यहाँ सेंटर में प्लेस कर देना है। तो गाइज, कुछ इस तरीके से हमें बारी बारी से यहाँ पे की फ्रेम यूज करना है प्लेट के मूवमेंट के साथ साथ, और अपने लोगों को भी मूव करते हुए हमें प्लेट के ऊपर प्लेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ एरो पे क्लिक करके बैक हो लेना है। देन गाइज, यहाँ पे हम अपने चैनल का नेम ऐड करना है। सो नेम ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस प्लेट को थोड़ा सा आगे की तरफ करना है, लेयर पे टाइप करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने चैनल का नेम टाइप कर लेना है। चैनल का नेम टाइप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। देन गाइज, जो आपने नेम ऐड किया है इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाना है और जो हमने नेम ऐड किया है इसकी टेक्स्ट की लेंथ को यहाँ से बाकी क्लिप्स के बराबर करके, और हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है। सो फॉन्ट को चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ डबल ए फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके एंड्रॉइड वाले ऑप्शंस में आना है और यहाँ से आपको रोबोट ब्लैक को सेलेक्ट करके राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया इसके अंदर हम एनिमेशन ऐड करेंगे। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ से फेड को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ एरो पे क्लिक करके बैक हो लेना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ एरो पे क्लिक करके बैक होना है और यहाँ लोगों को सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों के अंदर भी इन एनिमेशन ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आपको इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके फेड को सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ एरो पे क्लिक करके बैक हो लेना है। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा इंट्रो है वो कम्प्लीटली बन गया है। चलिए मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा हमारा इंट्रो कितना शानदार बना है और इस इंट्रो को बनाना कितना आसान था। आई होप कि आप में से हर कोई इस इंट्रो को बना लिया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस इंट्रो ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे प्रोफेशनली ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एनिमेशन बनवाना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस, इस वीडियो को सेव कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ कोने में एरो का साइन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे नीचे सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करने के साथ ही ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइज, आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस इंट्रो को बनाने में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।